हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल मेरा नाम है चुत्तिका और यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं आने वाले एच की आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और उसी में एडअप करने के लिए मैं आज कवर कर रही हूँ मॉडर्न ट्राइब्स इन हिमाचल ये प्रीलिम बेस्ड फोकस सीरीज़ है जिसमें हम सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे खींचने को बहुत लंबा खींच सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास में टाइम नहीं है ट्वेंटी सेवन्थ को आपका पेपर है तो मैं आपको प्रीलिम्स में 21 में 22 में भी जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ट्राइब्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनफैक्ट कल्चर की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें से काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो फिर वहां पे दो कोर्सेज़ हैं एक तो है हिमाचल जी के और टेस्ट सीरीज़ इनमें फ्री रिसोर्सेज नाम का एक फ़ोल्डर है वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कीजिए और फिर प्रिंटआउट निकलवा के साथ में पढ़िए एज़ वेल एज़ इसकी अलग से प्ले भी बनी हुई है जिसमें हमने हिस्ट्री जोग्राफ़ी कल्चर ये सारी चीज़ें कवर की तो चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हिमाचल जो है वो हिमालय का पार्ट हुआ है हिमालय का पार्ट है और बड़े बड़े जंगल यहाँ पे हुआ करते थे तो यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं ट्राइब्स में रहा करते थे तो हमने इनको दो भागों में बांटा एक तो है आपकी जो प्राचीन जनजातियाँ हैं और जो एक है आपकी मॉडर्न ट्राइब्स एंशंट हमने पढ़ी जिसमें हमने पढ़े नागाज कीर्ताज फिर आपके और खस हो गए इस तरीके से किन्नर थे वो सारे के सारे गंधर्व यक्ष पिशाच फिर आ गए मॉडर्न ट्राइब्स जिसमें अभी आज हम देखेंगे गद्दीज हाटी ट्राइब और आपकी बहुत स्वांगला लाहौला ये सारी की सारी करने को मैं हर एक के ऊपर एक लंबी लंबी वीडियो कर सकती हूँ लेकिन अगेन प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ना ऐसे शब्द याद होने चाहिए डायरेक्टली शब्द पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहला इसको कहाँ पे कोट किया गया और कोई भी जैसे उनके जो वो पहनते हैं उसको चुब्बा बोलते हैं कोई भी ट्राइब है उनमें उन्होंने बड़ा सा जो भी पहना है उसको चुब्बा बोला गया तो वो पूछ लेंगे कि चुब्बा है वो क्या चीज़ है तो इस तरीके से हमें टर्मिनोलॉजी याद करनी है कि ये शब्द किस चीज़ से रिलेटेड है अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं शुरू करूं गद्दी ट्राइब मैं इसमें कवर नहीं कर रही हूं गद्दी ट्राइब मैंने पहले से कवर की हुई है तो ये वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें मैंने बात की हुई है बाकी और जो ट्राइब्स हैं वो हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है हाटी ट्राइब हाटी ट्राइब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इनको ट्राइबल स्टेटस अभी चाहिए था तो इनको Uh, जो है फाइनली ये जो आपकी एस टी की लिस्ट है शेड्यूल फाइव है उसमें सब में ऐड किए गए हैं तो शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले कहाँ की रहने वाली ट्राइब है तो ये है सिरमौर के ट्रांसगिरी एरिया की यहाँ से बड़े सारे सवाल बनते हैं सबसे पहले ट्रांसगिरी तो हिमाचल में एक नदी बहती है नदियाँ हमने ऑलरेडी कवर कर दी है यहाँ पे शिमला में कूपड़ पीक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गिरी गिरी एकदम सिरमौर के बीच में से जाती है और सिरमौर को दो भागों में बांटती है एक को हम कहते हैं सिस गिरी, एक को कहते हैं ट्रांसगिरी और ये आगे जो है यमुना से मिलती है तो सबसे पहली बात गिरी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है दूसरा आ गया कि ये सिरमौर को दो भागों में बांटती है और जो ट्रांस एरिया है इसी में रहने वाली ये एक ट्राइब है अब यहाँ पर एक और चीज़ हम देखते हैं कि इनका कल्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर है उत्तराखंड के इस वाले एरिया से तो ये है आपका जॉन्सर का एरिया सो so, ये एरिया के साथ में अब इनका जो मांगने का आइडिया था कि एसटी का स्टेटस चाहिए वो इसी बेसिस के ऊपर था कि यहाँ पे जो उत्तराखंड में रहने वाली ट्राइब है जब इनको मिला हुआ है तो हमें भी चाहिए तो बहुत टाइम से ये लोग यहाँ पे इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे ये जो नाम है हाटी ये कहाँ से आता है ये आता है कि छोटे छोटे टाउन्स टाउन्स की जो मार्केट थी वहां पे ये बहुत सारी चीजें बेचा करते थे छोटी छोटी अगेन क्रॉप्स हो गए थोड़ा बहुत मीट वूल ये सारी की सारी चीजें तो जो छोटी मार्केट थी ना उनको हाट कहा जाता था तो वहीं से ये शब्द निकल कर आया हाटी तो फैक्ट क्या क्या रहे एक तो आ गई ट्रांसगिरी दूसरी आ गई आपकी हाट कहाँ से निकला जॉनसर बवार एरिया के साथ में इनका कल्चर सेम सेम जैसा हमें देखने को मिलता ठीक है ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं पिछली बार भी था कि कंचन टाइप ऑफ मैरिज किस मैरिज की तरह आसाम की या सिक्किम की किस मैरिज की तरह रिसेंबलेंस रखती है तो ऐसे कि किसके साथ में वो अपना रिजेंबलेंस रखती है अगेन ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं तो याद रखेंगे इसको जॉन्सर बवार एरिया फिर आगे आ जाते हैं कि इनका जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है अभी भी यहाँ पर जो अपर कास्ट हैं उनको भत्त और खश कहा जाता है फिर उससे नीचे आते हैं बदोई और जो है उससे भी नीचे हमें कुछ यहाँ पर कास्ट देखने को मिलते हैं लेकिन दो एटलीस्ट याद रखेंगे भात और खश अब इनके यहाँ एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है ट्रेडिशनल काउंसिल है जैसे अभी हम देखते हैं पंचायत बैठती है इनकी अपनी चलती आ रही है और भी हमें ट्राइब्स में अलग अलग ट्रेडिशनल काउंसिल देखने को मिलती है इसकी काउंसिल को हम बोलते हैं खुंबली तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अगेन फैक्ट यहाँ पर आ जाता है कि खुंबली इसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल में अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी 5.7 परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसमें से ये भी हाटी ट्राइब जो है वो भी इसका पार्ट है फिर अगेन जब भी ये आपकी हाटी ट्राइब को एस का स्टेटस मिला है और भी बहुत सारी हैं जिसके साथ में जो एक कर्नाटका की है बेटा कुरबा कम्युनिटी फिर आपकी तमिलनाडु की है नेरी कोरावम फिर आपकी छत्तीसगढ़ की आती है भिंजिया कम्युनिटी तो अगेन ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है एज वेल well हमारे हिमाचल के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके साथ में हम आगे बढ़ते हैं अगली ट्राइब वो है स्वांगला ट्राइब तो अगर अगेन अगर आप मेरे कोर्स का पार्ट है तो वहां पर हम लोग ने इसके ऊपर आंसर भी लिखा था तो ये रहती है लाहौल इन स्पीति मैं सा बना देती हूँ लाहौल स्पीति में ये चंद्रा है ये भागा है जब ये मिलती हैं तो ये चेनाब बनाती हैं जहाँ ये बनाती हैं इसको हम लोग कहते हैं चेनाब वैली इसको चेनाब वैली भी कहा जाता है इसको पत्तन वैली भी कहा जाता है ग्रेनरीज ऑफ लाहौल स्पीति भी कहते हैं ये जो पत्तन वैली है यहाँ पे एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है सुंगला ठीक है काफी ज़्यादा रिच इनका कल्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अलग अलग लैंग्वेजेज बोलते हैं तिब्बतियन और हिंदी का मिक्स जिसको कहते हैं मन्छाद, वो भी इसको कहा जाता है इसीलिए जो आपकी पत्तन वैली है इसको मन्छाद वैली भी कहते हैं ठीक है तो ऐसे फैक्ट्स जो है वो हम लोग को याद करने हैं फिर आ गया जो सीपी और लोहार हैं वो चिनाली लैंग्वेज बोलते हैं बोध जो है वो भोती यहां पर बोलते हैं और सिसु के एरिया में एक अलग से डायलेक्ट कहा जाता है जिसको तिन्नन कहा जाता है अगेन इन बातों पे नहीं लड़ना या झगड़ना है कि अभी भी वहां पे ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं आप एक एस्पिरेंट है और अगर रिसर्च करने के लिए कभी जाएंगे तो वहां पर इस बारे में सोचना है कि देखना है कि क्या क्या वहां पे होता है लेकिन अभी जो किताबों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सवाल यहीं से पूछा जाएगा तो यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ठीक है ये जो स्वांगला है ये दो ग्रुप्स में यहाँ पे बांटे जाते हैं जो कि हैं गारू और मुन्द्रो तो ये बोला जाता है कि जब कोई राजपूत किसी बौद्ध लड़की से शादी करता है तो आगे उनके जो बच्चे हैं वो यहां पर गारू और मुन्द्रो कहलाते हैं अभी ये टू के पेपर में पूछा गया था ठीक है आगे मैं दिखाऊंगी भी अभी फिर आ जाती है मैरिज सिस्टम देखो मैरिज सिस्टम हमेशा तीन टाइप की रहती हैं एक है अरेंज मैरिज एक है लव मैरिज और एक है मैरिज बाय कैप्चर मैरिज बाय कैप्चर में अभी ये होती है कि नहीं ये नहीं पता सेमोनियल तरीके से हुआ करती होंगी लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कौन सी वाली कौन सी है जैसे रुस्ताते ब्याह ये है भाग के शादी करना फिर आती है कुआ ब्याह ये है मैरिज बाय कैप्चर और एक जो लास्ट में है एडवॉक मैरिज इसको बोलते हैं मजमी ब्याह तो ये हमें याद रखना फिर आ जाते हैं डाइवोर्स डाइवोर्स यूजुअली ट्राइबल कम्युनिटीज में हमने देखा है कि कोई भी लकड़ी है या फिर कोई भी धागा है उसको तोड़ के किया जाता है तो एक तरफ से जो आपके दोनों कपल्स हैं वो ऐसे ऐसे करके इधर से खींचते हैं और जब भी वो तोड़ते हैं तो उसको डाइवोर्स माना जाता है तो उसका नाम क्या है तो इसको कहते हैं थवाची अब पूछा जाएगा कि सुध थवाची डाइवोर्स है लेकिन कौन सी ट्राइब में है तो ये भी याद रखना है कि ये आपकी स्वांगला ट्राइब में हमें मिलता है फिर इनके कल्चर की अगर हम बात करें तो मिक्स है शेवाइटीज भी हैं एज well वेल एज बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं इसी के लिए हम लोग मृकुला देवी मंदिर भी देखते हैं ऑन देन हमारा

किन्नौर में इन्हें खुनू काम्पा कहा जाता है कुल्लू में न्योंदी खांपा चंबा में थावा खाम्पा लाहौल में गार्जा खाम्पा एंड नेखोर खाम्पा भी इनको कई जगह कहते हैं फिर उत्तराखंड में इनको कहते हैं शाह खाम्पा अगेन बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेकिन ये जो है याद करके जाना है इसमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं मैरिज सिस्टम आ गए हम लोग यहां पर देखते हैं कि खाम्पाज में जो नेगोशिएटर है उसको फाखतून कहते हैं इसको छोड़ दीजिए कोई बात नहीं कर सकते हैं डाइवोर्स को क्या क्या कहते हैं तो जतारी झा दलवा तो ये कहाँ कहा जाता है खामपाज में कहा जाता है बस इतना सा काफी है फूड हैबिट्स भी आप लोग छोड़ सकते हो ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि अगेन प्रिलिम्स के लिए अगर अभी पढ़ोगे अगर एक साल से पढ़ रहे हो तब तो ये याद हो जाती हैं चीज़ें लेकिन एकदम से पढ़ोगे तो याद नहीं होंगी तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं खामपाज जो है उनकी ट्रेडिशनल काउंसिल को शिजम चुंगी कहा जाता है अगेन क्वेश्चन पूछा गया पिछले से पिछले साल जिसमें पूछा गया कि खामपास की ट्रेडिशनल काउंसिल को क्या कहते हैं और उसका जो हेड होता है उसको गोवा कहा जाता है अगेन मिक्स हैं ये भी बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट्स को फॉलो करते हैं तो जितने भी हमने फेयर्स फेस्टिवल पढ़े जितने भी हमने गोयतर लदार चा लोसर वो सारे के सारे फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं अब देखो क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से करेक्ट पूछा हुआ था पहला था ट्रेडिशनल काउंसिल ऑफ खामपाज इज नोन एज शुजम चुंगी याद करने ये छोटे चुट छोटे नोट्स लगा के ठीक है फिर था यहाँ पे कि द कॉमन टर्म ऑफ विडो मैरिज इन पंगवाल इज नोन एज दोगरी ये भी मैं आगे दिखाऊंगी अभी पढ़ेंगे हम लोग ये हमने ऑलरेडी किन्नर ट्राइब की हुई है तो अकॉर्डिंग टू भगवंत पुराण किन्नर जो है वो अपना उनकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी की छाया से हुई थी तो ये आपका बिल्कुल यहां पर सही है तो इस तरीके से फर्स्ट जो है वो भी बिल्कुल सही हो गया तो ऐसे फैक्ट्स पूछे जाते हैं अगर आपको फर्स्ट और फोर्थ भी पता है तो फर्स्ट और फोर्थ सिर्फ इसमें है जिसके साथ में ये करेक्ट हो जाता है राइट right? तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर नेक्स्ट आ जाती है हमारी ट्राइब पंगवाल कैसे याद करेंगे पांगी में रहने वाली पंगवाल ट्राइब से पांगी और से पंगवाल तो अब ये चंबा है और चंबा का ये जो ये वाला एरिया है ये है आपका पांगी की घाटी तो पांगी घाटी में रहने वाले पंगवाल्स हैं बहुत टाइम से यहाँ पर ये रहते हैं और बड़ी सारी इनके स्टोरीज हैं कुछ कहते हैं कि यहाँ पर रिसर्च कम हुआ तो लोगों को पता नहीं है कि ये कब यहाँ पर रहने आए कई लोग कहते हैं कि जो राजा हैं वो जब अपने युद्ध पर गए तो उनकी बीवियां पीछे यहाँ पर रह गई तो वो ये ट्राइब है अलग अलग ओरिजिन की स्टोरीज मिलती ये वाला एरिया सिंस हायर माउंटेन्स पे है तो यहाँ पर एक हाइब्रिड रखा जाता है याक का और काओ का जिसको चूरी कहते हैं या फिर जो कहते हैं और क्या देखते हैं हम लोग के जो पंगवाल ब्राह्मण्स हैं उनको तीन लाइक ऐसे कम्युनिटीज में बांटा जाता है एक है गौर सुंगरिया और कालिया ज्यादा कुछ नहीं है ये ऐसे है जैसे जो शादी करवाता है उसको गौर बोलते हैं जो जब आपका पिंड दान वगैरह करवाता है वो कालिया होता है इस तरीके से इनके अलग अलग फंक्शंस जो है या फिर कह सकते हैं कि कौन सी पूजा करवाते हैं वो बांटे हुए हैं फिर जो राजपूत है उनमें तीन डिवीजन आते हैं राणा ठाकुर और राठी मैरिज सिस्टम कैसा है पंग्वाल्स में तो अभी थोड़ी हम कह सकते हैं पिछड़ी हुई जातियां हैं इसीलिए ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट भी है ये चंबा का वहां पर सब ट्राइबल प्लान भी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो शादियां होती हैं वो है पिथ चुख और जो कि मैरिज बाय कैप्चर है फिर आ गया मैरिज बाय एक्सचेंज जिसको डोगरी कहा गया और फिर टोपी लाना हो गया विडोरी मैरिज और यहां पर डायवोर्स को कहते हैं चार दे तो आपको अगर मैं क्वेश्चन वो दिखाऊं तो क्वेश्चन में क्या लिखा था क्वेश्चन देख लेते हैं द कॉमन टर्म फॉर विडो री मैरिज इन पंगवाल इज डोगी तो ये क्या हो गया गलत हो गया यहां पे सही आंसर क्या होगा टोपी लाना टोपी लाना इज विडो मैरिज और मैरिज बाय एक्सचेंज इज डोगी ठीक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो बड़ा सा ये पहनते हैं धागा तरीके का कुछ बांधा जाता है उसको मझीर यहाँ पर कहते हैं और फिर एक जो लंबा कोट है उसको लेखर कहा जाता है तो फिर नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे जो आपके इनहेरिटेंस के लॉज हैं यानी कि यहाँ पे पॉलिंड्री भी होता है बोला जाता है कि पांडव यहाँ पे आए तो जैसे द्रौपदी के पांच पति थे उस तरीके का कल्चर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अब कैसे बांटा जाए तो बांटा ऐसे जाए कि सबसे पहले जो सबसे पहली वाइफ है उसके जो मेल चिल्ड्रन है या जो उनके बेटे हैं उनके बीच में ये बांटी जाती है तो इसके जो नाम है ये याद रखने हैं एक तो है आपका पंगवाद एक है चंदावंद तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है कि क्या है ये एक्जैक्टली exactly क्या है ये इनहेरिटेंस के या कस्टमरी लॉज है इनहेरिटेंस के सो so, इसी के साथ में आपका ये भी हो नेक्स्ट ट्राइब है किन्नर ट्राइब तो किन्नौरा ट्राइब हमने एंशंट में भी पढ़ी ये मॉडर्न में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं मॉडर्न भी अभी किन्नौर में रहने वाले लोगों को किन्नौरा कहा जाता है तो अगेन बहुत सारे फैक्ट्स हमने ऑलरेडी याद कर दिए थे जैसे भगवंत पुराण में लिखा गया कि जो ब्रह्मा की शैडो से ये लोग यहाँ पे निकले कई जगह लिखा गया कि जो आपके भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं प्रद्युम्न उनके ये आगे वंशज हुए फिर वायु पुराण में लिखा गया कि ये महंत माउंटेंस के रहने वाले थे अगेन और कुछ कुमार संभवा और बहुत सारी किताबें हमने देखी जिनमें इनका मेंशन लिखा किया गया कि कुबेर के कोर्ट में ये यहाँ पर गाया बजाया करते थे टैलेंटेड आर्टिस्ट थे ठीक है फिर आते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में इनमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है सबसे पहले आ गया लैंग्वेज लैंग्वेज में किन्नौरी लैंग्वेज ये यह डायलेक्ट यहाँ पर बोलते हैं फिर आता है कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम में याद रखेंगे दो हैं एक है खासिया और एक है बेरू जो आपकी खासिया कम्युनिटी है इसमें ये आपके राजपूत हैं इनमें आते हैं वजा ओरांग और आपका मुरांग, ठीक है फिर आगे बेरू बेरू में है दो बेर, एक है दो मांग और एक है छा मांग जरूरी नहीं है सारा याद हो लेकिन ये याद होना चाहिए कि ये कास्ट्स कास्ट हैं जो कि यहाँ पर हमें किन्नर ट्राइब में देखने को मिलती नेक्स्ट आ गया मैरिज सिस्टम मैरिज सिस्टम में आता है जो लव मैरिज है उसको बोलते हैं दम चलशीश फिर आती है दरोश जो है मैरिज बाय कैप्चर या फिर जो आपकी फोर्सफुल मैरिज है और फिर आती है जाने कांग और जानेतांग ये कॉमन अरेंज मैरिज है अगेन इसके ऊपर पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जब कोई गरीब होते हैं तो बारात में सिर्फ दो लोग जाए उसको न्योतांग में रंग कहा जाता है और किसी और की वाइफ को अपने घर बुलाना जो है उसको हर कहा जाता है ठीक है क्वेश्चन दिखाती हूँ देखो ये मुन्द्रो और गारू हमने पढ़ा था ये आप लोग बताएंगे अभी कि कौन सी ट्राइब में हमने पढ़ा एंड इट वॉज दी चिल्ड्रन ऑफ हाइपर गेमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब स्वांगला गद्दी खांपा या गुज्जर और फिर नेक्स्ट आ गया ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहती थी कि कंचन फॉर्म ऑफ मैरिज है जो कि सिक्किम में होती है ये कौन सी हिमाचल की मैरिज की तरह सिमिलर है तो सिमिलर किसकी तरह है दम, दम चलशीश दरोश बट्टा सट्टा और चेती तो इसका जो सही आंसर है वो था दरोश। इसमें ये है मैरिज बाय कैप्चर और ये एक जो लाइन है आपकी बलोखरा में लिखी गई थी कि सिक्किम में एक शादी होती है कंचन टाइप ऑफ मैरिज ये उसकी तरह यहाँ पर तो वहां से ये सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते फिर हम लोग देखते हैं डायवोर्स डाइवोर्स में क्या है इसमें भी यहाँ पे यही होता है कि दोनों जो हैं एक लकड़ी को पकड़ते हैं लकड़ी कौन से ट्री की बनी है तो वो शूर कोई एक ट्री होता है उसकी है उसको जब तोड़ते हैं तो डाइवोर्स हो जाता है डाइवोर्स को कहते क्या है तो धांग चौचा जो है यहाँ पर उसको कहते हैं ड्रेसेस अगर हम लोग देखें किन्नौर की तो काफ़ी कुछ है इसमें सबसे पहले जो हरी टोपी सब लोग डालते हैं इसको थेपांग कहते हैं फिर इसमें चुब्बा बड़े वाले ऊपर से जो जैकेट जैसी डाली जाती है उसको बोलते हैं यहाँ पर आपकी चमरू कुर्ती और सुत्थन ऐसे करके बहुत सारी चीजें डेथ और बर्थ कस्टम्स बोलते हैं कई जगह की पुराने टाइम पे होती थी तो यहाँ पर जो क्रिमेशन के प्रैक्टिस हैं वो थे तीन डुबंत फुकंत भकंत डुबंत हो गया जो बॉडी है उसको पानी में डुबो दिया जाता था जैसे आयरन मैन की लास्ट में की थी ना फिर आ गया फुकन जैसे यूजुअल हमारे हिंदू ट्रेडिशन में है जो है जलाया जाता है और फिर आ गया भकंत जिसमें हम लोग देखते हैं कि बाहर जो वल्चर्स हो गए बर्ड्स हैं उनके लिए छोड़ दिया जाता है ये सोच के कि बॉडी जो है वो अपना पर्पज़ पूरा कर रही है किसी का पेट भर रही है सो ये तीनों ही हमें किरण ट्राइब में देखने को मिलते थे फिर आ गया फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ये ऑलरेडी हमने पढ़े हैं फुलेज खेपा तोशम ये सारे के सारे हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कम्युनिटी काउंसिल की अगर हम बात करते हैं याद कर लेनी है हाटी को हमने कहा खुम्बली जो आपके और थे हमने देखी खामपा की थी शुजुमचुंगी और फिर आ गई अब किन्नर्स की तो किस जो आपके किन्नर्स हैं, इनमें ट्रेडिशनल काउंसिल को चार भाई कहा जाता है तो चार भाई फिर पनिशमेंट अलग, अलग अलग देखते हैं हम लोग अगर कोई देवता की बात नहीं मानता है तो उसको तिच्चिग मिच्चिग उसको बाहर निकाल दिया जाता है और फिर इसमें छेपता भी हम लोग यहाँ पर लाइक like पनिशमेंट्स के नाम है जो देवता है वही इंसाफ यहाँ पर करते हैं ऐसा कुछ नेक्स्ट हमारी ट्राइब है लाहौला ट्राइब लाहौल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको लाहौला ट्राइब कहा जाता है वो उसका पार्ट यहाँ पर आते हैं ये मेनली आपके बुद्धिस्ट हैं और अलग अलग जो है डायलेक्ट बोलते हैं तिब्बत या फिर जो तिब्बतीन डायलेक्ट है उसकी तरह मैच करता है चंद्रा भागा ये वाली वैलीज़ में रहते हैं और जो इनके फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मंगोलियन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं तो हमने एंशंट में भी पढ़ा था कि सबसे पहले जो यहाँ पे रहने वाले कोल्स थे फिर हम सेकंड जो माइग्रेट यहाँ पर लोग किए वो मंगोलॉइड्स थे और जो तीसरे थे वो आपके आर्यन थे तो ये ऑलरेडी आपको चीज़ें पता ठीक है ठीके? कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका बिल्कुल पंगवाल के जैसा हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है ड्रेसेस में ये एक बड़ा सा तिब्बतीन गाउन डालते हैं जिसको खत्तर कहा जाता है और जो कुल्लू की कैप है वो उसको हम कहते हैं टोबरी फिर हम लोग देखते हैं मैरिज सिस्टम मैरिज सिस्टम लोहलाज में है दो एक है ता भागस्तौन और एक है भागस्तौन जो भागस्तौन हो गया वो हो गया जो आपका भाग्य शादी कर लेते हैं और फिर ता भागस्तौन हो गया जो कि अरेंज मैरिज है डायवोर्स जो है वो भी यहां पर है जिसको कहा जाता है कुड़पा चर्चे तो इसका नाम याद रखिए नेक्स्ट आ गया गुजरस तो गुजर्स की बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलती है हमें अगेन कई जगह बोला जाता है कि यशोमती माता जो है उनके ये खुद को वंशज मानते हैं तो इनको बहुत सारे ऐसे जानवर अपने पास में रखने होते जानवर एज लाइक गाय वगैरह क्योंकि माता भी जो है रखा करती थी कृष्ण जी को मक्खन बनाना होता था तो ये उनको खुद के वंशज भी मानते हैं लेकिन जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग हुन इनवेजन भी पढ़ते हैं और बोला जाता है कि जो हुंज हैं कुछ वो यहाँ पर पीछे रह गए और वही जो है आगे जाकर गुज्जर यहाँ पर बने तो ये आपके दो यहाँ पर स्टोरीज uh, है कहां पे रहती है इनकी पॉपुलेशन मोस्टली रहती है मंडी कांगड़ा सिरमौर सोलन और चंबा में और अगेन दोनों ये रिलीजन को फॉलो करते हैं हिंदू गुज्जर भी होते हैं एज वेल एज मुस्लिम भी पर होते हैं लास्ट वन इज जाद ये या जाद या जद ये जो जद है ये सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी के होते हैं ये पोलियंड्रेस भी हैं और पेट्रीनियलियन भी यहाँ पर हैं पोलिया का मतलब हो गया अगेन वही कि जैसे द्रौपदी के पांच पति थे तो यहाँ पे भी एक वेमेन जो है उसके पांच पति हो सकते हैं या जितने भी भाई हैं उनसे सभी से वो शादी करेगी और काफी ज्यादा उसको वैल्यू रखा दिया जाता है घर की जो बड़ी बहू है उसको बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया जाता है अभी भी ये एग्रीकल्चर और वूल ट्रेड में यहाँ पर इन्वॉल्व है बस जाते जाते एक क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ दिस इज द टू थाउजेंड एंड वन प्रियम्स में पूछा गया था द जाद ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर द फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द रिलिजन तो ये बड़ा इजी है दिस वॉज द करेक्ट आंसर इज मुद्दिज इसी के साथ में आपकी ट्राइब्स खत्म हो गई काफी सारे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं एंड अच्छे से पढ़ के जाइएगा आई विश यू ऑल दी बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब